अब ऑर्गेनिक में हम एक और टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ईजेड सिस्टम इसको बोलते हैं। ईजेड सिस्टम का नाम सुना है पहले? कभी पहली बार पढ़ रहे हो, अभी पहली बार में समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ईजेड नोमेनक्लेचर या ईजेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे अपने सिस और ट्रांस होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें ई जो है, कैपिटल ई, इसका मतलब है एंटीजेजन। क्या है? एंटीजेजन। हाँ, और जेड का मतलब है जुजामेन। जुजामेन। जोन सा भी मैन हो, अपना तो ई और जेड से लेना देना है ना। ई ई कब लगाया जाता है? व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एट ऑपोजिट पोजिशन। ई मतलब एक इधर और एक उधर, ई मतलब इधर उधर। आ गया क्या? जब हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स जो हैं वो ट्रांस पोजिशन पे होते हैं, आप तो ऐसा समझो, सिस और ट्रांस तो मालूम है ना। यस, सेम ग्रुप जो है वो अगर अपोजिट पोजिशन पे होते हैं तो ट्रांस बनता है, और सेम पोजिशन पे होते हैं तो सिस बनता है। बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। यहाँ पर अब सेम ग्रुप ना बोल करके हाई प्रायोरिटी ग्रुप और लो प्रायोरिटी ग्रुप बोल देंगे, है ना। अब हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी ग्रुप क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगी, पर पहले आप समझो कि जैसे सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो ट्रांस बोलते थे, यहाँ पर क्या करेंगे कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ई फॉर्म बोलेंगे उसको, और सेम प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अगर सेम पोजीशन पे हैं, जैसे सिस पोजीशन पे होते थे, तो आप जुजेमिन या फिर जेड से उसको इंडिकेट करेंगे। जैसे व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एट सेम साइड, तो जेड कंफर्मेशन माना जाएगा, और ऑपोजिट होंगे तो ई कंफर्मेशन माना जाएगा। अब देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कि द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इट विल बी द ई कंफर्मेशन, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एट सेम साइड देन इट इज अ जेड कंफर्मेशन। जुजामिन, है ना। एचपी मतलब हाई प्रायोरिटी एंड लो, एलपी मतलब लो प्रायोरिटी। क्लियर? बात समझ में आ गई क्या इतनी सी? वेरी गुड। अब इसमें देखो प्रायोरिटी के रूल्स देखो, इसको सीआईपी सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं। सीआईपी है ना, ये सीआईडी का भाई नहीं है, ये सी का मतलब है कान, कान नहीं, CAHN कान। आई का मतलब है इंगोल्ड, और पी है अपना प्रोलोंग, कान इंगोल्ड प्रोलोंग, नाम है ये अलग अलग कान है बेटा। क्या कुछ बोल रही हो नीलाक्षी? प्रियंका कुछ बोल रहे थे क्या बेटा? सॉरी, मैं अभी भी नहीं सुन पाई हूँ। ओके ओके, तो कान इनगोल्ड और प्रोलोंग, तीन नाम याद हुए। सी आई पी कान इनगोल्ड प्रोलोंग। अरे कान, कान में गोल्ड की रिंग पहनो। यस, कान इनगोल्ड प्रोलोंग, है ना। लॉन्ग, अरे कान में लॉन्ग पहन सकते हैं ना यार, क्या जो भी, जैसे भी इसको CAHN, इसका ना, इसकी स्पेलिंग भी होती है। हाँ, इनकी स्पेलिंग भी होती है, नाम है ना, तो इसकी स्पेलिंग भी होती है। स्पेलिंग कैसी होती है भैया, देख लो। CAHN इन गोल्ड, INGOLD और प्रोलोंग, PROLONG। कान इन गोल्ड प्रोलोंग ने एक सीक्वेंस रूल दिया था, इस सीक्वेंस रूल में इन्होंने क्या बोला? कान इन गोल्ड प्रोलोंग। हाँ जी, स्टैंडर्ड प्रोसेस है इसको, मतलब क्या है कि इसमें इन्होंने बताया था कि भाई हाई प्रायोरिटी ग्रुप और लो प्रायोरिटी ग्रुप को आप किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 कार्बन। देखो, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले जो कार्बन होते हैं, उसके साथ में दो ग्रुप जुड़े हुए होंगे, एक इस वैलेंसी से जुड़ेगा और एक इस वैलेंसी से जुड़ेगा। बोलो, जुड़ेगा कि नहीं, है ना। इधर भी देखो, कार्बन की ये वाली वैलेंसी से भी एक ग्रुप जुड़ेगा और इधर वाली वैलेंसी से भी एक ग्रुप जुड़ेगा। अब इन दोनों ग्रुप्स में से सबसे पहले देखना है एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों में से बताओ एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, आयोडीन का
और इन इन दोनों में से क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप और आयोडीन यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप माना जाएगा। एंड बोथ द हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एट सेम पोजीशन देन ज़ुज़ेमिन। अच्छा जेड भी ऐसे ही बनाते हैं ना, सेम सेम दोनों को मिला दो है ना, जेड भी ऐसे सेम बनता है ना। कई बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई था कि जेड था, जेड में मतलब ऐसे सेम ऐसे एक जैसे एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ, ठीक है ना। और इफ रूल वन इज फेल्ड, अगर दोनों मतलब ऐसी पोजीशन आ जाए कि रूल फर्स्ट जो है वो फेल हो जाए, अब फेल हो जाए तो कैसे कैसे भी फेल हो सकता है, कोई इसका ईमान धर्म है नहीं। इफ रूल फर्स्ट इज फेल्ड देन कंसीडर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम एंड सो ऑन। मतलब क्या हो कि जैसे ये वाला ग्रुप देखना, ये sp2 कार्बन है ना। अब आपको बोला था कि sp2 कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स देखेंगे, इन दोनों ग्रुप्स में से देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है वो हाई प्रायोरिटी होता है। अब इस कार्बन से डायरेक्ट ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और डायरेक्ट ये क्लोरीन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन और इस फ्लोरीन में से बताइए एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, कार्बन का या क्लोरीन का? फ्लोरीन का। तो इन यस, तो इन दोनों में से तो आपने फटाफट बता दिया था फ्लोरीन इज हाई प्रायोरिटी ग्रुप। बोलिए कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं आई है ना। बट इधर देखो, इस कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे जुड़ा हुआ ये वाला एटम भी कार्बन है और ये वाला एटम भी कार्बन है, देन रूल फर्स्ट इज फेल्ड ना, फिर एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम हो गया। अब आप क्या करोगे, इनके एटॉमिक नंबर को ना देख करके इनसे जुड़े हुए एटम्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर देखोगे। तो बताइए इस कार्बन से डायरेक्टली ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तीन कार्बन। और इससे कितने, एक कार्बन दो कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। तो बताओ ज्यादा एटॉमिक नंबर उधर है कि इधर है? ऊपर है ना। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये हाई प्रायोरिटी कार्बन होगा और ये वाला जो कार्बन होगा वो लो प्रायोरिटी कार्बन होगा। बाद में दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अगर एक साथ हैं देन ज़ुज़ेमिन, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन एंटीजेजिन। आ गया क्या? दोनों रूल समझ में आए, हाई प्रायोरिटी के लिए एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो हाई प्रायोरिटी होगा, और अगर एटॉमिक नंबर सेम है देन पड़ोसी का एटॉमिक नंबर भी देखना है। एक और, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन कंसीडर देम एज, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी है, अब सी डबल बॉन्ड सी को कैसे आप कंसीडर करोगे? सी डबल बॉन्ड सी का मतलब है कि एक सी से डबल बॉन्ड से दूसरा सी जुड़ा हुआ है ना, इस डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड को आप क्या करोगे, ऐसे दो सिंगल बॉन्ड्स में तोड़ लोगे, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब कितने बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड एक साथ नहीं बना करके अलग अलग बना दो, दोनों से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आप इनको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन के साथ में एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, कितने बॉन्ड बेटे, और कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। तो मल्टीपल बॉन्ड जो है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेना है आपको इस तरीके से, एक इमेजिनरी प्रायोरिटी ऑर्डर आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। जैसे देखो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, दैट कार्बन के साथ में दो बॉन्ड बने हुए हैं और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दिख तो एक ही रहा है पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तब प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। उधर देखो कार्बन के साथ में तीन नाइट्रोजन है, सॉरी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन है, ट्रिपल बॉन्ड को आप तीन सिंगल बॉन्ड्स में स्प्लिट कर देंगे देन नाइट्रोजन लगा देंगे, इस तरीके से भी आप जो है काम कर सकते हैं। यस बेटे, नाइट्रोजन एक जोड़ी नंबर आता है, नाइट्रोजन अगर अपन इसे स्प्लिट करके लिख दिया वहां तो आपके पास एक ही नाइट्रोजन है, बट हम कंसीडर क्या करेंगे कि भाई कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से एन जुड़ा हुआ है ना, तो तीन सिंगल बॉन्ड अगर आपने बना दिए तो हर एक के साथ में आपको नाइट्रोजन ही जोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन ही जोड़ना पड़ेगा, कार्बन ही जोड़ना पड़ेगा, तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर से आप हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी ग्रुप निकालेंगे। जैसे कि इसमें देखो ये कार्बन है, देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, अब इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कौन सा बॉन्ड है बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। हाँ तो इसके साथ में जुड़े हुए दो ग्रुप, इसमें भी देखो ये वाला कार्बन सेम एटॉमिक नंबर है ना, तो अब आप हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी पता नहीं कर सकते। दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन, तो बताओ कितने ऑक्सीजन? एक्चुअली तीन ऑक्सीजन, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है ना, तो दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। इसके साथ में भी दो दो डबल बॉन्ड है, तो दो ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन थे, और यहाँ पर तीनों के तीनों ऑक्सीजन थे। सो दिस वन विल बी द हाई प्रायोरिटी ग्रुप। बोलिए आ गया क्या समझ में? यस मैम। बड़ा मजा आता है इसको करने में, है ना? और ये देखो इस कार्बन के साथ में इधर कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में से बताइए एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का। तो आगे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, देन दिस विल बी द हाई प्रायोरिटी ग्रुप, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एट सेम पोजीशन, देन दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी यूजमेन कॉन्फ़िगरेशन। जेड भी बोल सकते हो या जी भी बोल सकते हो, व्हाटएवर। आ गया क्या समझ में मेरे बच्चों? अच्छे से आ गया, गुड। इफ आइसोटॉप्स आर प्रेजेंट, अगर आइसोटॉप्स अगर प्रेजेंट है तो फिर सीधी सी बात है उनका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। जैसे इधर देखो, यहाँ तो आप देखो एक कार्बन ये कार्बन, अब कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ दो हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, देन दिस विल बी द हाई प्रायोरिटी ग्रुप। क्लियर? हाँ, और इधर देखो इसके साथ में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में क्या डिफरेंस है? ड्यूटेरियम इज हैवी, देन दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप देख लिया और दोनों का कंफर्मेशन देख लिया, री कंफर्मेशन विल बी देयर। क्लियर है? ओके, नाउ असाइन करेक्ट ई जेड कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। टूट पड़ो, कर दोगे ना आप तो? यस मैम। चलो देख लेते हैं फिर। चलिए तो भाई हाइड्रोजन और कार्बन में से दिस वन इज द हाई प्रायोरिटी ग्रुप, और कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन इज द हाई प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये क्या बन गया आपका? ओके, क्लोरीन एंड कार्बन में से क्लोरीन हाई प्रायोरिटी और इधर भी ये हाई प्रायोरिटी, देन इट इज ई एंटीजन। एंटी है ना, वैसे भी नाम में भी एंटी है, इधर कार्बन बट इधर ऑक्सीजन, दिस वन इज द हाई प्रायोरिटी ग्रुप। ओके, और इधर कार्बन बट इधर ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन, देन दिस विल बी द हाई प्रायोरिटी। ओ ओ ओ ओ यस मैम, और ये वाला की होएगा मेरा सही है, ठीक है सी। और इधर तो दिस वन इज द हाई प्रायोरिटी ग्रुप, और इधर देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर, नाइट्रोजन हैज मोर एटॉमिक नंबर देन कार्बन, है ना, तो ये ऊपर वाला हाई प्रायोरिटी ग्रुप होगा, तो ये हो जाएगा जी। तो जी 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 जेड ई जेड जेड किसके सारे सही थे? कहाँ गड़बड़ हो गई बच्चे? देखो ना मेरी बात, वो वाला और ये दोनों में ही गड़बड़ हुई है। यहाँ देखो कार्बन के साथ में तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं बेटा, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड ओ ओ एच है ना, तो एक दो तीन ऑक्सीजन है ना, तो ये वाला, और इधर देखो कार्बन के साथ में ऐसे एक दो तीन ट्रिपल बॉन्ड बना करके कार्बन जुड़ा हुआ है ना, कि हाइड्रोजन, ठीक है? Yes. तो ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप होगा। और इधर आप देखो बी आर, तो ये वाला तो दिख ही रहा है कि दो हाइड्रोजन है और बी आर है, तो दोनों में लड़ाई होगी तो बी आर ही जीतेगा, बट यहाँ देखो कार्बन के साथ में तीन कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पर कार्बन के साथ में तीन नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा था ना मल्टीपल बॉन्ड जो है उसको आप इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड्स में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वाला हाई प्रायोरिटी हुआ ना बेटा। चलो कोई नहीं, हो जाता है,